हेलो, मेरा नाम राहुल राठौड़ है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। काफ़ी टाइम से हेयर फॉल का प्रॉब्लम था और धीमे धीमे काफ़ी बाल भी झड़ने लगे और काफ़ी बालनेस आ गई थी। उसके बाद मैंने हेयर पैच पहना था एक महीने तक, जो फ्रंट हेयर पैच था, बट उसमें भी बहुत स्ट्रेस मिल रहा था क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाता था कुछ भी। तो और एक दो साल से मैं देख रहा था हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक वगैरह सब। तो एक यूट्यूबर है बोन क्रिएटर करके, उसका पूरा जर्नी मैंने देखा था और वो जर्नी के थ्रू मैंने उसका पूरा जो भी हेयर ग्रो हो रहा था, न्यू ट्रांसप्लांट हो रहा था, वो सब कुछ मैंने देखा था। तो वहाँ मैंने सुना था हेयर फ्री हेयर ग्रो के बारे में। और फिर एक दो महीने पहले मैंने यहाँ पे कॉल किया था और उन्होंने मुझे समझाया था कि आप यहाँ पे क्लिनिक पे आइए, हम बात करते हैं। और फिर मैं आज यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्टर ने समझाया था। डॉक्टर का नाम जिंकल पटेल है और जो भी ग्राफ रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें अच्छे से समझाई थी, कौन सी ट्रीटमेंट क्या टेक्निक के साथ होती है, सारी चीज़ें समझाई। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उन्होंने जो समझाया था, और अब तक का एक्सपीरियंस तो मेरा क्लिनिक पे काफ़ी अच्छा है। अभी आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट मेरा हो यहीं पे, और आशा रखूँगा कि जो भी होगा वो अच्छा होगा और नए बाल मेरे अच्छे से आएंगे। हेलो गाइस, अब मेरी सर्जरी हो चुकी है। सुबह जब मैं आया तब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, एनेस्थेसिया का टेस्टिंग डोज हुआ था, उसके बाद हेयरलाइन डिज़ाइन हुई थी और सारे डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने काफ़ी अच्छे से मुझे रिकमेंड किया, सजेशन दिया, जो जो नॉर्मल रूटीन चेकअप होते वो भी किए, सब अच्छे से हुआ था। उसके बाद जब मेरा सर्जरी शुरू हुआ तब हर आधे घंटे में डॉक्टर आ रहे थे, चेक कर रहे थे, और जो जो चीज़ डॉक्टर करनी होती वो डॉक्टर कर रहे थे, जो उनके टेक्नीशियन होते वो टेक्नीशियंस कर रहे थे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी वो डिटेल में पूछ रहे थे, आपको पेन हो रहा है नहीं हो रहा है, हर जगह पर एनेस्थेसिया का पूछ रहे थे, आपको दर्द हो रहा है तो लगा देते थे, ये सब। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। और ये है, मेरा हेयर ट्रांसफर हो चुका है। ओवरऑल मुझे 3300 ग्राफ्ट्स लगे हैं। सो देखते हैं अभी आगे रिजल्ट कैसा आता है। थैंक यू।